फसलों को खुले में चरने वाले पशुओं से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए रोका छेका अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को गोठानों में लाया जा रहा है। फसलों को खुले में चरने वाले पशुओं से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए रोका छेका अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गांवों में एक साथ रोका छेका अभियान के तहत कार्य किया जा रहा है। किसानों की फसलों को नुकसान न हो इसके लिए गांव में बैठक कर इस अभियान के लिए पशुओं को एक जगह रोकने और उन्हें गोठान में एकत्रित करने की जिम्मेदारी चरवाहों को दी गई है। पशुओं को गोठानों में रखने से खेतों की फसलों को बचाने के लिए घेरा करने में होने वाले खर्च की भी बचत होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के द्वारा 1 जुलाई से रोका छेका अभियान का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, इस वर्ष प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है। फसलों की बुआई और थरहा लगाने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। पिछले वर्ष रिकॉर्ड 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस उपलब्धि में राज्य शासन की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित किसान हितैषी योजनाओं के साथ साथ रोका छेका अभियान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में खेती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। रायगढ़ जिले में भी रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को गोठानों में लाया जा रहा है ताकि किसानों की फसलों को कोई नुकसान न पहुंचे। महापौर जानकी कारजू ने बताया कि रोका छेका का अभियान के मद्देनजर गोठानों में पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। मवेशियों के रहने और उनके चारे की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग वे स्वयं कर रही हैं और इसमें नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है। 1 जुलाई से हमारे CM सर का घोषणा आया है कि रोका छेका कार्यक्रम करना है और जिसमें खरीफ फसल के जो गाय हमारे बाहर चरते हैं वो खा के नुकसान पहुंचाते हैं फसल को, इसलिए रोका छेका का योजना बनाया गया है। और ये जोर शोर से चल रहा है हर जगह निगम में, तो हमारे निगम में भी चल रहा है। और 1 जुलाई से लगातार जहाँ जहाँ गाय घूम रहे हैं आवारा पशु, उसको गोठान में ले जाकर उसको सुरक्षित रखा जा रहा है, एक जगह एकत्रित कर रहे हैं और उसका खाने का चारा का व्यवस्था किया जा रहा है। लगातार हमारी नज़र भी है इसमें। रोज़ ही हमारा नगर निगम वाले के टीम से निकलते हैं, नगर निगम के टीम पूरा लगातार रोका छेका का अभियान का पालन करते हुए गोठान में एकत्रित कर रहे हैं गाय को और वहाँ खवा पिया कर उनको देख रेख कर रहे हैं लगातार। और शेड भी बनाया गया है और हमारे CM सर ने इस गोठान का, संबलपुरी गोठान का ओपनिंग किया था, वहीं सभी गाय को ले जाकर देख रेख कर रहे हैं और उसमें शेड भी है, बरसात को देखते हुए बनाया गया है और कमी है उसको भी हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नगर निगम की टीम इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।